ये घूम घूम करके पूरा मुंह सूख रहा है क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे मैं निकला हूँ और अभी तकरीबन 5:30 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद नबी में आपको पहले नहीं आएंगे तो जगह नहीं मिल पाएगा, तो इसके लेकर के मैं पहले जा करके मैं जगह बनाता हूँ और मैं गुम्बद खिजरा के साइड में जाने की कोशिश करूँगा। ये मस्जिद नबी में जो इफ्तार का जाता है ना, सब जगह गाड़ी से सोचा था कि जगह मिल जाएगी, लेकिन इधर तो जगह नहीं है, ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका है। ये मस्जिद नबी की इंतजामिया है, ये मस्जिद नबी का बंदे भी देते हैं इसमें। वो ना पहले आज से 10 साल पहले खाना पीना आदमी लेकर आते थे, अभी दुनिया उस तरह की नहीं रही। एक दफा ही ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में हाँ इमेज पूरा बनता है ना हर जगह पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ मोहम्मद नासिर, मदीना मुनव्वरा से एक और नए ब्लॉग में खुश आमदीद। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबी और आज का इफ्तार जो है तो मैं मस्जिद नबी में करूँगा। आज हम शॉपिंग करने आए थे, उसका मैं ब्लॉग ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ और शॉपिंग भी कर चुका हूँ, मैं उसका मैं ब्लॉग सेपरेट कर दिया हूँ, तो इंशाल्लाह इससे पहले या इसके बाद वो भी ब्लॉग आएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ इफ्तार करना था आज, क्योंकि इधर आए थे तो आज इफ्तार भी यहीं करेंगे मस्जिद नबी में और इंशाल्लाह नमाज वमाज पढ़ कर के फिर जाएंगे। तो चलिए अभी मस्जिद नबी पहले ले कर चलता हूँ और मस्जिद नबी का मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आज हम रोज़ा बाहर खोलेंगे, पिछले बार जो आपको मैं दिखाया था दूसरा रमज़ान का वो मैं अंदर रोज़ा खोले थे, इस बार मैं बाहर खोलता हूँ और इसका इंतजामिया क्या है सो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा पहले अभी लाइक कर लीजिए, अच्छा लगा तो उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू और आगे देखो। और चलिए अभी मस्जिद में नबी लेके चलता हूँ, मस्जिद नबी का मैं व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज 26 आज इतना याद रखें, आज 26 रमजान है यहाँ पर इंडिया में, 25। ये घूम घूम करके पूरा मुँह सूख रहा है क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे मैं निकला हूँ और अभी तकरीबन 5:30 हो रहा है। अभी रोज़ा खोलने में टाइम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मस्जिद नबी में आपको पहले नहीं आएंगे तो जगह नहीं मिल पाएगा, तो इसके लेकर के मैं पहले जा करके मैं जगह बनाता हूँ और मैं गुम्बद खिजरा के साइड में जाने की कोशिश करूँगा और मैं उधर ही रोज़ा खोलूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए अभी चलता हूँ और ये सब मीनार भी देख सकते हैं, ये भी रोड क्रॉस करेंगे। ये तैबा होटल का पास ही है, तैबा होटल है, ये हिल्टन होटल है, ये साइड से भी मैं जा रहा हूँ। चलिए अभी मेरे को ये शायद गेट नंबर 36 है, तो मेरे को गेट नंबर 16 साइड जाना पड़ेगा। रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर मैं रोज़ा खोलना चाहता हूँ और वो साइड में, तो मेरे को गेट नंबर 16 पे जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह चलिए मैं गेट नंबर 16 पे लेके चलता हूँ। अभी टाइम है, देखता हूँ कितना भीड़ हुआ है अभी तक, क्योंकि रश तो अभी ज़्यादा होगा क्योंकि लास्ट रमजान चल रहा है ना, तो यहाँ भीड़ होगा बहुत ज़्यादा। ये मस्जिद नबी में जो इफ्तार का जाता है ना, वो सब देखिए गाड़ी से उतर रहा है, सॉरी ये गाड़ी से सब उतर रहा है, अभी लेके मस्जिद नबी जाएगा। ये इधर भी देख लें कितना सारा वैन आया हुआ है, ये पूरा मस्जिद नबी का इफ्तार का ही है। ये अभी दाखिल हो चुके हैं, ये अभी गेट नंबर 36 से मैं अंदर आया हूँ, अब मुझे गेट नंबर 16 पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सुफरा लग रहा है ऑलरेडी, तो आई होप उधर जगह खाली। यहाँ पर देखिए सुफरा लग चुका है, लेकिन फिर भी हम वो साइड लेके चलता हूँ। ये गेट नंबर 28 है, थोड़ा मैं जूम कर दूँ, ये साइड है सर, ज़्यादा ख़वातीन होता है गेट नंबर 26 गेट नंबर 28। चलिए अभी मैं लेके चलता हूँ गेट नंबर 16 की तरफ, ये गेट नंबर 22 तक आ चुका हूँ। आज 26 रोज़ा है यहाँ पे, तो भीड़ तो लास्ट हो गया तो ज़्यादा ही है, ऐसे भी मस्जिद नबी में तो भीड़ रहता ही है हमेशा ही, आप कभी भी आए आपको इतना रस तो मिलेगा ही है। पूरा एकदम मुँह एकदम सूख रहा है आज,
बहुत धूप में पूरा घूमा शॉपिंग को लेकर। ये साइड थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, ये साइड देख रहे हैं सब अभी तक पूरा जगह लेके बैठ चुके हैं और फुल हो गए हैं, और वो साइड दिखाए थे अभी तक खाली था, तो मतलब ये साइड थोड़ा ज़्यादा रस है। इधर सोचे थे कि जगह मिल जाएगी लेकिन इधर तो जगह नहीं है, ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका है। सभी फुल है इधर, अगर इधर नहीं हुआ तो फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा, देखता हूँ किधर जगह मिलता है। चलिए कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा, अंदर चल चल के थक चुका हूँ। अरे ये साइड नहीं लगता है मेरे को जगह मिल पाएगा सर। इधर ऐसा बैरियर लगा चुका है, मतलब इधर फुल हो चुका है, तो अब मुझे वो साइड ही चलना पड़ेगा। चलिए उधर में तो इधर बैठ जाता हूँ, ये करीबी है, मदद कीज रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे हम सोचे थे और करीब बैठेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका, जगह नहीं है उधर, तो चलिए ये सब में ही बैठते हैं इंशाल्लाह। ये मस्जिद नदी का इसका इंतजामिया की तरफ से मस्जिद नबी, मस्जिद नबी का अभी तकरीबन 25 मिनट टाइम बाकी है, तो अभी टाइम हुआ नहीं। ये मस्जिद नबी की इंतजामिया ये मस्जिद नबी का बंदे भी देते हैं, इसमें हिस्सा डाल देते हैं। नहीं अभी बाहर आ रहे थे ना तो देख रहे थे सब पूरा ट्रक से उतार रहे थे सामान। इतना भी ये सब जिम्मेवारी वाला काम होता है ना, क्योंकि सब हाजी है, सब उम्रा करने वाले सब आते हैं यहाँ पे। एक ऐसा हो गया हमारा, हाँ इमेज पूरा बनता है ना हर जगह। नहीं 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 आप ले सकते, ये ले। हाँ हो जाएगा। मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी में सब सुफरा उठाया जा रहा है क्योंकि इफ्तार हो चुका है, अब नमाज होंगे इसके लिए घर पे। मस्जिद नबी का भी अभी सब नमाज के लिए खड़ा हो रहे हैं, अभी तकबीर होने वाला है। अभी नमाज भी पढ़नी है, मस्जिद नबी से हम बाहर जा रहे हैं। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग था,
मस्जिद नबी का। ये देख सकते हैं बहुत भीड़ है, इधर तो इतना भीड़ नहीं होता था रात जाने के टाइम में जब नमाज़ पढ़ के जा रहे होते थे कभी भी, लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा इधर रहिए, बैरियर भी लगा चुका है। इधर इतना नहीं होता था पहले, पता नहीं मैं आज ही देख रहा, पिछला बार भी आए थे तो ऐसा नहीं था। देख सकते हैं निकलने में भी बहुत देर टाइम लग गया अभी, यहाँ फिर वहाँ से आने में 10 मिनट टाइम हो गया। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो जैसे फेसिंग थोड़ा करेंगे लेकिन ना हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।